हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। कुछ दिनों पहले जो आपका दैनिक भास्कर के द्वारा एक न्यूज़ प्रकाशित किया गया था कि इस साल जो सीजीपीएससी है उसका जो उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, यानी जीरो ईयर घोषित कर दिया जाएगा करके। कुछ लोगों के मैसेज आए, कमेंट आए, फेसबुक में आए, टेलीग्राम में आए, व्हाट्सएप में आए, लेकिन मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया। फेसबुक पे जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने एक पोस्ट किया जरूर था कि 26 नवंबर तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 26 नवंबर को जो सीजीपीएससी है अभी पिछले कुछ सालों से 26 नवंबर के डेट में वो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक। लेकिन जो दैनिक भास्कर की खबर आई थी उसके बाद छात्रों में काफ़ी हड़कंप मच गया था, काफ़ी लोग प्रिपरेशन जोन से बाहर जा चुके हैं। सीजीपीएससी ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके जो दैनिक भास्कर की जो खबर है उसका खंडन कर दिया है। उसने कहा है कि वैकेंसी आएगी। देखिए, काफ़ी विभागों जितने भी विभाग है छत्तीसगढ़ में उनके तक एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया गया है और रिक्त पदों की उनसे जानकारी मांगी गई है। मे बी पॉसिबल कि इस बार जो है नोटिफिकेशन आने में 26 नवंबर से डिले हो सकता है, 26 नवंबर से कुछ दिन बाद भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। नोटिफिकेशन आएगा, मे बी पॉसिबल, देखिए हो सकता है कि 26 नवंबर को ही आ जाए, लेकिन अगर 26 नवंबर को नहीं आया तो कुछ डिले हो सकता है, लेकिन आपके नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होंगे। जो इतने समय से आप तैयारी करते आ रहे हैं अपने तैयारी पर फोकस रहिए। मैंने जो टेस्ट सीरीज जो मैं कंडक्ट करा रहा था उसमें से भी काफ़ी लोग प्रिपरेशन जोन से बाहर जा चुके हैं। इस बार का जो टेस्ट पेपर जो आए थे उसमें जो मार्क्स सबमिशन है, काफ़ी लोगों ने मार्क्स सबमिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीरो ईयर की जैसे ही पेपर में खबर फैली, सारे के सारे लोग ना ही कोई मतलब ना ही वीडियो में फोकस हो रहे हैं, ना ही टेस्ट पेपर में फोकस हो रहे हैं, ना ही अपने खुद के सेल्फ स्टडी में फोकस हो रहे हैं। उनका अब माइंडसेट ऐसा हो गया कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे नहीं। नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, समय फिर उसके बाद बचेगा नहीं, तो ऐसे बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रिपरेशन जोन में रहिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद समय नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर पर योजनाएं। अभी कैबिनेट जो हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें प्रदेश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को मर्ज करके एक सिंगल योजना बनाया गया है। देखिए, जो हमारे प्रदेश में लगभग छः प्रकार की योजनाएं हैं, उन छः प्रकार की योजनाओं को एक ही योजना में शामिल कर दिया गया है। योजना का नाम है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें प्रदेश जिसके अंतर्गत प्रदेश में रह रहे निवासियों को, आपका गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 5 लाख से 20 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य सहायता सुविधा प्रदान की जाएगी। समझिएगा, जो आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, इसके अंतर्गत प्रदेश में चल रही केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की कुल 6 केंद्रीय स्तर की और राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल 6 योजनाओं को इसके अंतर्गत समावेश किया गया है। समझिए, पहले नंबर पर है आपका आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक। दूसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तीसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। चौथे नंबर पर है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। पाँचवें नंबर पर है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और छठवें नंबर पर है संजीवनी सहायता कोष। समझिए, ये जो है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो भी केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की जो योजना है, इन सभी योजनाओं का समावेश कर दिया गया है एक ही योजना में। यानी ये सारी की सारी योजनाएं एक सिंगल योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसका नाम होगा आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 5 लाख से 20 लाख तक की आपकी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। समझिएगा, ये है क्या, इसमें जो 5 लाख से 20 लाख तक का जो आपका स्वास्थ्य सुविधा की बात की जा रही है उसे समझिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की जो घोषणा है उसे इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? आयुष्मान भारत योजना की। इसके अंतर्गत देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक की आपकी स्वास्थ्य सहायता
ठीक है, स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी, यानी 5 लाख रुपए तक का उन्हें मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान किया जाएगा। देखिए इसमें प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। तो यह है आपका आयुष्मान भारत योजना, जिसकी घोषणा की गई थी आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा। ठीक, सेकेंड नंबर पर है आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। सेकंड नंबर पर है जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये राज्य सरकार की योजना है। ये जो योजना है आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 से लागू है। वर्ष 2012 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार को 50,000 रुपये तक की 50,000 रुपये की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 2017 से पहले जो इसमें इलाज के लिए 2017 से पहले इस योजना के अंतर्गत इलाज के लिए 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। 2017 के बाद यह राशि बढ़ा दी गई है और 50,000 रुपये कर दी गई है। यानी इसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जो हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंतर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले जो प्रदेश के स्थानीय नागरिक है, उनके परिवार का एक आपका स्मार्ट कार्ड बना होता है, जिसमें सालाना जो है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, परिवार कोई सदस्य बीमार होता है, तो उसमें उस कार्ड के द्वारा 50,000 रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा, यानी 50,000 रुपये तक की इलाज की सुविधा उस कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, ये जो योजना है ये हमारे प्रदेश में वर्ष 2008 से लागू है, या वर्ष 2008 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत आपका 1 से 15 वर्ष तक के आयु के बच्चे, जिन्हें हृदय रोग संबंधित जो बीमारी है, हृदय संबंधित उन्हें बीमारी है, तो उसके उपचार के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाएगा, यानी उसके हृदय संबंधित रोग के इलाज के लिए जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा उठाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार की ये योजना है, 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसका मुफ्त में इलाज कराएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ आपके शासकीय जो अस्पताल है और कुछ निजी क्षेत्र के अस्पतालों का चयन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। ये योजना हमारे प्रदेश में जो प्रारंभ हुई है आपके वर्ष 2010 से, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, ऐसे बच्चे जिन्हें जो आवाज सुनाई देने के लिए जो मशीन लगाए जाते हैं, तो मशीन लगाने के बाद भी उन बच्चों को यदि स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई नहीं देता, देखिए आप सभी को मालूम है कि यदि स्पष्ट रूप से आवाज यदि कान में नहीं आता तो उसके लिए मशीन लगाए जाते हैं, कान के मशीन। लेकिन कान के मशीन लगाए जाने के बाद भी यदि उन बच्चों को स्पष्ट रूप से यदि आवाज सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए कंपाइलर इम्प्लांट किया जाता है उनके कानों में। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिन्हें कान की सुनने वाली मशीन के द्वारा भी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता, तो उन्हें उनके इस विकार को दूर करने के लिए कंपाइलर इम्प्लांट किया जाता है उनके कानों में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये भी राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2013 में और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा चिरायु योजना के नाम से हमारे प्रदेश में लागू किया गया था वर्ष 2014 में। घोषणा की गई थी इस योजना की, देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे इस योजना की घोषणा की गई थी आपके राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 में। हमारे प्रदेश में चिरायु योजना के नाम से इस योजना को लागू किया गया आपके वर्ष 2014 में। इसमें 30 प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, ये क्या कार्यक्रम क्या है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूल के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा सामान्य बीमारियों का, देखिए विशिष्ट नहीं, सामान्य बीमारियों का, जो जैसे खांसी हो गया, ठीक है, खांसी सर्दी जुकाम, ऐसे टाइप की जो सामान्य बीमारी है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और 30 प्रकार की सामान्य बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा इस चिरायु योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका संजीवनी सहायता कोष। संजीवनी सहायता कोष, देखिए कई न्यूज़पेपर में आपको यह मिलेगा कि जो आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल आपका स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके अंतर्गत 6 योजनाओं का समावेशन किया गया है, कुछ में मिलेगा 5 योजनाओं का समावेशन मिलेगा। वो 5 और 6 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 6वां नंबर है ये योजना नहीं है, ये एक कानून है, एक अधिनियम है। ठीक, तो
इसलिए आपको न्यूज़पेपर में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आप इसको छह ही समझते हुए चलिए। संजीवनी सहायता कोष हमारे प्रदेश में ये जो कानून है, ये कानून बना आपका, अधिनियम बना वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में यह आपका संजीवनी सहायता कोष लाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन करके इसमें जो स्वास्थ्य के लिए जो सहायता राशि की है उसे समय समय पर संशोधन करके बढ़ाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 30 प्रकार की बीमारियों का, 30 प्रकार की इसमें भी, देखिए ये क्या है संजीवनी सहायता योजना, इसमें 30 प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। 30 प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए संजीवनी सहायता कोष के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इस संजीवनी सहायता कोष में अगर आवेदन करता है तो उसे 30 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उसे 1.5 लाख रुपए तक की राशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। लेकिन अब समझिएगा कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये जो स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख से 20 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी, स्वास्थ्य सहायता सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए 5 लाख से 20 लाख, तो ये जो देखिए इसको समझिएगा, इसमें जो योजनाएं शामिल की गई है इसमें यदि आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए मैक्सिमम, अभी तक ये जो योजना है इसमें जो 5 लाख रुपए मैक्सिमम, ये आपके आयुष्मान भारत योजना यानी केंद्र सरकार की योजना के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है, ठीक। बाकी आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की सहायता, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, ये दोनों के अंतर्गत जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार पूरा उसका खर्चा वहन करेगा। और उसके बाद आता है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आपका संजीवनी सहायता योजना, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें जो 20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी ये बात कही गई है, उसे थोड़ा समझिएगा। तो ये जो आपका संजीवनी सहायता योजना है, इस संजीवनी सहायता कोष का विस्तार किया जाएगा, इस संजीवनी सहायता कोष में संशोधन करके इसका विस्तार किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। संजीवनी सहायता कोष में संशोधन करके उसका विस्तार किया जाएगा तथा एक नई योजना लाई जाएगी जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत कौन शामिल होंगे समझिएगा, इस योजना के अंतर्गत जब इतनी सारी योजनाएं तो चल रही है हमारे प्रदेश में, तो नई योजना लाने का मतलब क्या है इसे समझिए। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना लाने का कारण क्या है, उसका कारण मेन आपको मालूम चलेगा यहाँ पे, उसका क्राइटेरिया पात्रता, कौन पात्र होंगे इस मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत। देखिए पहले नंबर पर है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमारी शामिल नहीं है, ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो देख रहे हैं ना जिसमें स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 50,000 रुपये तक की आपकी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है, तो ये जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमारी शामिल नहीं है, देखिए यहाँ पे जो अलग अलग योजनाएं हैं, हर एक योजना में आपका कुछ जो बीमारी है, हर बीमारी का एक लिस्ट होता है, हर एक योजना से एक बीमारियों का लिस्ट अटैच होता है, जिसमें जो जो उस योजना के अंतर्गत जिस बीमारी का इलाज हो पाना पॉसिबल है उस योजना के अंतर्गत केवल बीमारियों के लिए ही वो जो आपकी योजना है वो लागू होगी। तो वही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमारी शामिल नहीं है, यानी ऐसी बीमारियां जो इस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो उन बीमारियों का इलाज आपका मुख्यमंत्री विशेष सहायता स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हितग्राहियों का नाम सूची में नहीं है, यानी जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया और आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, जिसमें क्या है स्मार्ट कार्ड धारी है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग छूट गए हैं जिनका नाम इन योजनाओं की सूची में शामिल नहीं है या इन हितग्राहियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, तो उन बचे हुए लोगों का इलाज इस मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा नंबर है आपकी नई योजना के अंतर्गत बीमा कवर की राशि इलाज हेतु पर्याप्त नहीं है, यानी इसमें जितनी भी योजनाएं हैं इस योजना के अंतर्गत सभी का एक लिमिटेशन है, जैसे आयुष्मान भारत योजना का लिमिटेशन है आपका 5 लाख, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लिमिट है वो है आपका 50,000। तो ये जो भी जो आपकी नई योजना के अंतर्गत जो ये जो बीमा कवर की राशि है वो यदि आपका इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी हो सकता है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन इलाज कराने के लिए 5 लाख से अधिक की राशि चाहिए, ठीक, तो उस कंडीशन में ये जो है आप
आपकी उसके जो हितग्राही है वो इसके अंतर्गत आएंगे, यानी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ ले सकते हैं। इस मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा सहायता राशि प्रदान की जा सकती है, मैक्सिमम 20 लाख। अभी तक ये लागू हुआ नहीं है, इसका विस्तार किए जाने की अभी हमारी प्रदेश सरकार बात कर रही है। अगर यह योजना लागू हो गया तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो इस योजनाओं को, जो प्रदेश में जो चल रही योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, या उसका सूची प्रदेश में चल रही योजनाओं की सूची में उसका नाम नहीं है, या प्रदेश में चल रही योजनाओं से पर्याप्त उसे राशि नहीं मिल पा रही है इलाज के लिए, वो सारे के सारे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बताने का कारण यही है। कई लोग समझ नहीं पाए थे 5 से 20 लाख का मतलब क्या है। 5 लाख जो कि आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑलरेडी मिल रहा है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि मिल रही है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का खर्चा पूरा राज्य सरकार उठाती है, बाकी जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो आपका चिरायु योजना के अंतर्गत होता है, और आपका जो संजीवनी सहायता कोष है उसके माध्यम से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की राशि अभी मिल रही है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे आप देखेंगे कुछ फाउंडेशन है, जैसे इसमें कुल 30 प्रकार की बीमारियों का ही केवल इलाज हो सकता है, ठीक, तो कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जो ला इलाज होती है तथा इन योजनाओं की सूची में उन बीमारियों का वो बीमारी शामिल नहीं होती, तो ऐसी बीमारियों के इलाज भी इस योजना के माध्यम से उसके लिए सहायता राशि ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, सौर सुजला योजना इसकी शुरुआत हुई हमारे प्रदेश में आपके वर्ष 2016 से सौर सुजला योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्युत विहीन खेतों में सौर सिंचाई पंपों को प्राथमिकता देना। ऐसे खेत जहां पर आपकी विद्युत की पर्याप्त जो पहुँच है वहाँ पर संभव नहीं है, काफ़ी खेत जो ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दूर क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ तक क्या है आपके बिजली के लिए जो खंभे हैं वो वहाँ तक अभी तक छापाना पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में यानी विद्युत विहीन खेतों में जो है आपके सौर सिंचाई पंपों को प्राथमिकता देना है, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों को वहां पर स्थापित करना। इसके लिए जो किसान है, किसानों से एक छोटा सा अंशदान लिया जाएगा, किसानों से छोटा सा अंशदान लेकर के उन्हें सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उन्हें मुहैया कराना, उनके खेतों में लगाना, ठीक। देखिए इसमें जो लक्ष्य है, ये जो योजना आपका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2016 में, तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 56,000 से अधिक सौर सिंचाई पंपों को स्थापित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक। इस सौर सुजला योजना के अंतर्गत प्रदेश में 56,000 से अधिक सिंचाई पंपों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। समझिएगा, इस वित्तीय वर्ष में आपका 20,000 का लक्ष्य रखा गया है, 20,000 सौर सिंचाई पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है, जबकि कुल 56,000 से अधिक सौर सिंचाई पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, ठीक। कुल लक्ष्य कितना है? 56,000 से अधिक इस वित्तीय वर्ष में कितने स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 20,000, ठीक। इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, किसानों से अंशदान लेकर के आपके सिंचाई पंप उन्हें स्थापित करना, उनके खेतों में स्थापित करना। देखिए जैसे आज जो आपका सिंचाई पंप है 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, तो जो सिंचाई पंप है जो सौर ऊर्जा से चलते हैं वो काफी महंगे होते हैं। जैसे हम 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पंप की बात करें तो ये लगभग 4.5 लाख रुपए का आता है, 3 हॉर्स पावर की बात करें तो ये भी लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक के आता है, ठीक। तो इतना एक किसान इतनी राशि में ये आपका सिंचाई पंप नहीं ले सकता, तो जो हमारी प्रदेश सरकार है उनसे थोड़ा सा अंशदान लेकर के उनको सिंचाई पंप उनके खेतों में स्थापित करेगी। तो अब वो अंशदान कितना लेगी से समझिएगा, इसमें कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया है, 2 हॉर्स पावर तक का पंप, 3 हॉर्स पावर का पंप, 5 हॉर्स पावर का पंप, 3 पंप इसके अंतर्गत प्रदान किए जा सकते हैं। तो जो 2 हॉर्स पावर का जो पंप है उसके अंतर्गत SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से 5,000 रुपये की अंशदान लेकर के उन्हें सौर सिंचाई पंप मुहैया कराया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से 9,000 रुपए और सामान्य वर्ग से 16,000 रुपए की राशि लेकर के प्रदेश सरकार उनके खेतों में आपकी सौर सिंचाई पंप स्थापित करेगी। कितने हॉर्स पावर का? 2 हॉर्स पावर का। वैसे ही है, सेकंड नंबर पर है 3 हॉर्स पावर का। अगर 3 हॉर्स पावर का यदि सौर सिंचाई पंप स्थापित करना है तो SC ST कैटेगरी को 7,000 रुपए का अंशदान देना पड़ेगा, OBC कैटेगरी को 12,000 रुपए का और जनरल कैटेगरी को 18,000 रुपए का। 5 हॉर्स पावर तक का यदि पंप स्थापित करना है तो
एससी एसटी कैटेगरी को 10,000 रुपए का अंशदान देना पड़ेगा, ओबीसी को 15,000 का, जबकि जनरल कैटेगरी को 20,000 रुपए का अंशदान देना पड़ेगा। इस अंशदान देने के पश्चात उनके खेतों पर प्रदेश सरकार सौर सिंचाई पंप स्थापित करेगी। ठीक, इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ये टेबल को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप लोगों के काम आएगा ये। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट, SRS रिपोर्ट 2015-17। SRS रिपोर्ट, ये SRS रिपोर्ट क्या है, आप अपने इकोनॉमिक सर्वे में देखे भी होंगे, वहाँ पे आपके यूनिट 1 और यूनिट 14 जो आपका स्वास्थ्य वाला जो आपका चैप्टर है, ये दोनों में आपका SRS रिपोर्ट आप देखे होंगे। ये है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। ये हमारे जो राष्ट्र है, हमारे जो हमारे देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की गणना करता है। समझिएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जो हमारे, इसको आप अपडेट कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो इसका डाटा है वो 2014-16 का है, नया रिपोर्ट आ चुका है, इसके आंकड़े याद रखिएगा। इसका डाटा भी मैं आपको अलग से अपडेट कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हमने 2014-16 का डाटा पढ़ा है, नया डाटा आया है 2015-17 का, जिसको अपडेट करना जरूरी है। एक वीडियो आएगा अपडेशन वाला इकोनॉमिक सर्वे का, उसको देखिएगा जरूर, काफी डाटा अपडेट कराना है उसमें। तो देखिए, जो SRS रिपोर्ट आई है अभी में, इसमें मातृ मृत्यु दर के आंकड़े इसमें सामने आए हैं। समझिएगा, मातृ मृत्यु दर जो हमारे देश का, भारत का मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है आपका 122 प्रति लाख। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, मातृ मृत्यु दर मतलब प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। यानी जैसे बच्चों को जन्म देते समय जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के कारण कई हो सकते हैं, जैसे संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव, यानी हॉस्पिटल में जो बच्चों की डिलीवरी वो हॉस्पिटल में ना करा करके घरों में दाई के माध्यम से कराया जाता है, तो उन्हें जो है आपकी चिकित्सकीय सुविधा उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसमें ये मृत्यु दर का मेन कारण इसमें माना जाता है। तो याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर, ये जो नई रिपोर्ट आई है SRS रिपोर्ट 2015-17, जिसे मातृ मृत्यु दर है हमारे देश की 122 प्रति लाख, ठीक, जिसमें कमी दर्ज की गई है, जिसमें कमी दर्ज की गई है आपका 6.15% की कमी दर्ज की गई है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 6.15% की कमी इसमें दर्ज की गई है। सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है इसमें आपका असम राज्य में, असम राज्य में जहां पे पहले पिछले रिपोर्ट में यानी 2014-16 की रिपोर्ट में जो आपकी यहाँ की मातृ मृत्यु दर 188 थी, वो घट करके हो गई है आपका 175, यानी सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है आपके असम राज्य में। लेकिन यदि हम मातृ मृत्यु दर के आधार पर, यानी किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है उसके आधार पर यदि हम रैंक देखें, तो पहले नंबर पर है केरल जहां पे 42 है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जहां पे 55 है, और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु जहां पे मातृ मृत्यु दर है आपका 63। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आपका ये जो मातृ मृत्यु दर 2015-17 ये जो है, ये पहले थी आपकी 173 प्रति लाख, इकोनॉमिक सर्वे में हमने यही पढ़ा है 173 प्रति लाख, जो कि घट करके 2015-17 के लिए हो गई है 141 प्रति लाख। ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आंकड़े से रिलेटेड जो डाटा है मैंने टेलीग्राम और फेसबुक में भी शेयर किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट डाटा है याद रखिएगा, 141 प्रति लाख हो गया है 2015-17 की स्थिति में। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, प्रदेश में हुई कुछ नियुक्तियां। सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, हमारे जो छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं महेंद्र छाबड़ा। सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ सहकारिता निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ सहकारिता निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं आपके सुनील कुजूर, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व आपके मुख्य सचिव रह चुके हैं, जिन्हें वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ सहकारिता निर्वाचन आयोग का आयुक्त या प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट समझिए, स्थान पहले नंबर पर है सरायपाली महासमुंद, महासमुंद जिले का सरायपाली, जिसमें अभी हीरे के होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। केंद्र सरकार की उपक्रम NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा राज्य सरकार की उपक्रम CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दोनों के संयुक्त प्रयास से इस क्षेत्र में आपके हीरे के यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, हीरे की खोज की जाएगी। यहाँ पर हीरे की जो मातृशिला है, ठीक, हीरे का जो मातृ जो उसको पत्थर बोलते हैं किम्बरलाइट होने के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। ठीक, जो हीरे की जो मातृशिला
कहा जाता है, यानी जिससे हीरे प्राप्त किए जाते हैं, उसके होने की संभावना मिली है कहाँ पर, आपके सरायपाली महासमुंद जिले में। ठीक, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, यहाँ पे होने की काफ़ी संभावना है, लेकिन इस सरायपाली से पहले भी किस क्षेत्र में आपके हीरे की होने की पुष्टि की जा चुकी है। देखिए यहाँ पे तो अभी सर्वे किया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में कहाँ पर सर्वे के पश्चात यह पुष्टि कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में हीरा है, तो ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद जिले का मैनपुर, गरियाबंद जिले के मैनपुर में ये किम्बरलाइट जो मातृशिला है हीरे का, उसके होने के प्रमाण मिल चुके हैं। कहाँ पर ऑलरेडी पुष्टि की जा चुकी है कि यहाँ पे किम्बरलाइट है, तो याद रखिएगा पायलीखंड, बेहराडीह, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबेड़ा और आपका बेहराडीह टेम्पल क्षेत्र। देखिए ये सभी के सभी यहाँ पे छह आपके हीरे की पट्टियाँ होने की, हीरे की पाइप होने की बात यहाँ पे कही गई है। पाइप मतलब एक बेल्ट होता है। ठीक, तो देखिए ये जो आपका गरियाबंद का जो आपका मैनपुर क्षेत्र है, इस मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही ये छह क्षेत्र शामिल है। कौन कौन सा? पायलीखंड, बेहराडीह, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबेड़ा और बेहराडीह टेम्पल क्षेत्र। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम से लाए जाएंगे पाँच मादा वन भैंस। असम से पांच मादा वन भैंस लाए जाने की मुहर केंद्र सरकार ने लगा दी है। हमारा जो राजकीय पशु है वो है आपका वन भैंसा, लेकिन हमारे प्रदेश में जो वन भैंसे हैं वो लगभग विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। उद्यंती अभ्यारण्य की बात करें तो उद्यंती अभ्यारण्य में अभी केवल आपके 10 वन भैंसे मौजूद है। उस 10 वन भैंसे में से 8 आपके नर आपके वन भैंस है और जबकि 2 आपकी मादा वन भैंस है। तो ये जो आपके वन भैंसों की संख्या में वृद्धि के लिए हमारी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कुछ वन भैंसे प्रदेश में लाने की मांग की थी, तो इस मांग को केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। और इसी कड़ी में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से हमारे प्रदेश में 5 मादा वन भैंसे लाए जा रहे हैं। समझिएगा कहां से आ रहा है, असम में कहां से, मानस राष्ट्रीय उद्यान से 5 मादा वन भैंसे लाए जा रहे हैं। इन मादा वन भैंसों को रखा जाएगा आपका बारनवापारा अभ्यारण्य में रखा जाएगा, जबकि उद्यंती अभ्यारण्य में वर्तमान स्थिति में आपके 10 वन भैंसे मौजूद है। इस 10 वन भैंसों में से आपका 8 नर वन भैंसे और 2 मादा वन भैंसे मौजूद है। 2 मादा वन भैंसों का नाम है आशा और खुशी। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा, कार्तिक पुन्नी मेला जिसका आयोजन किया गया अभी हाल फिलहाल में महादेव घाट खारून नदी के तट पर, इस कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन किया गया। ये मेला काफ़ी हाईलाइट में रहा क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी पर जाकर के स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में आयोजित किया गया कार्तिक पुन्नी मेला, जो कि आपके खारून नदी के तट पर महादेव घाट पे यहाँ पे जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा महादेव घाट में आपका मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक पुन्नी मेला। नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा का आयोजन होता है आपके बिलासपुर में प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा का आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट है, व्यापम यह प्रश्न पूछ चुका है, प्रदेश में सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता है आपके बिलासपुर जिले में। ठीक, इस बार यहाँ पर 42वां नंबर का आपका राउत नाचा महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिर्फ शहरी वार्डो वाला तहसील, ये होगा आपका भिलाई नगर। प्रदेश का पहला शहरी वार्डो वाला तहसील होगा आपका भिलाई नगर। देखिए प्रदेश में अब तक जितने भी आपके तहसील है, उन तहसीलों में जो वार्ड है वो आपके ग्रामीण वार्ड भी शामिल है, शहरी वार्ड भी शामिल है, लेकिन आप सभी को मालूम होगा अभी जो नई सरकार आ रही है वो जगह जगह जाकर के आपके नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की है। उसी कड़ी में आपके इस दुर्ग जिले में आपके भिलाई नगर को एक नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई, तथा इसमें ये चीज़ आंकड़े निकल कर सामने आए कि इस भिलाई नगर तहसील के अंतर्गत एक अभी ग्रामीण वार्ड शामिल नहीं है, यानी यह प्रदेश का पहला ऐसा तहसील होगा जिसके अंतर्गत पूरे के पूरे शहरी वार्ड शामिल होंगे। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा,
अब कुछ है विविध या मिसलेनियस। पहले नंबर पर है पत्रकार सुरक्षा कानून। पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित एक कानून बनाने पर हमारी प्रदेश सरकार विचार कर रही है। अगर यह कानून बन गया तो पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून लागू करने वाला हमारा यह राज्य पहला होगा। समझिएगा, अब ये लागू हुआ नहीं है। इस पत्रकारों से संबंधित जो आपके कानून बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई समिति का गठन किया है। उस समिति के अध्यक्ष होंगे आपके आफताब आलम। सुप्रीम कोर्ट के आपके रिटायर जज है ये, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। ये समिति ये पत्रकार की सुरक्षा संबंधित कानून के लिए गठित की गई एक समिति है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है आपके आफताब आलम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आपके पूर्व रिटायर जज है। ठीक, अगर यह आपका कानून लागू हो जाता है हमारे प्रदेश में, तो ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून लागू होगा। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट है पार्षद चुनाव खर्च सीमा। देखिए, इसमें मेरे को आपको एक अपडेशन कराना है। पहले के वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्षदों की चुनाव की जो खर्च सीमा है वो कितनी होगी। ठीक, तो उसमें आपको एक डाटा अपडेट करने हैं। पहले नंबर पर जो है वो है आपका जो नगर निगम वाला है, नगर निगम क्षेत्र में जहाँ पे आबादी 3 लाख से अधिक है वहाँ पे जो चुनाव खर्च सीमा वो 5 लाख रहेगी। 3 लाख से कम आबादी में 3 लाख रुपये रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका नगर पालिका, वो था नगर निगम। सेकंड नंबर पर आता है नगर पालिका। तो इस नगर पालिका क्षेत्र में पार्षद अपने चुनाव क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए तक की राशि, 1.5 लाख रुपए की तक की राशि खर्च कर सकते हैं। चुनाव जो खर्च सीमा है उसे 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। पहले ये 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ा करके इसे 1.5 लाख कर दिया गया है। तो इस एक आंकड़े को आप अपडेट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो पार्षद है वो अपने चुनाव क्षेत्र में 50,000 रुपए तक मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ये खुलेगा आपका पंडरी रायपुर में। ठीक, तो जितने इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारे डाटा आपको बता दिए हैं। ये योजना को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। योजना, हर एक योजना का हो सके पॉसिबल तो इसका डिटेल ढूंढ करके एक जगह लिख के रखिए, इनसे भी सेपरेट प्रश्न बन सकता है। बाकी सौर सुजला योजना इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें बताई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।